बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 8 का गणित, वो भी एनसीईआरटी से। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात करें, सुनना है ना। 8 के 3 लगातार गुणज, तो 3 लगातार गुणज क्या क्या हो सकता है? एगो x हो सकता है, एगो x प्लस 1, एगो x प्लस 2। तो उसमें 8 से गुणा कर देना है। 8 के गुणज मतलब 8 से गुणा कर देना है। सुनिए, 3 लगातार गुणज क्या हो सकता है? एगो x, एगो x प्लस 1, एगो x प्लस 2। उसमें 8 से गुणा करेंगे तो 8x, 8x प्लस 8, 8x प्लस 16। चलिए लिखते हैं, आइए। माना कि पहले तो हल लिखिए, पहले क्या लिखना है? हल। माना कि 8 के पहला गुणज क्या होगा? 8x, क्योंकि हम लोग मानेंगे x, उसमें 8 से गुणा करेंगे तो 8x लेना होगा। आइए दूसरा गुणज, 8 के दूसरा गुणज 8 × x + 1, 8 × x + क्योंकि पहला हम x मानेंगे, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, चौथा x + 3, ये मानेंगे। 8 के गुणा मतलब 8 से गुणा करना, गुणा कर देंगे इसको तो आपका हो जाएगा 8x + 8। 8 के तीसरा गुणज बराबर 8 × x + 2, यहां हम लोग लिए x, 8x हो जाएगा। लिख देते समझना, यहां हमने लिया x, यहां लिया x + 1, यहां लिया x + 2, तो 8 से x में करेंगे तो 8x, 8 से 2 में करेंगे 8 × 16, होगा ही नहीं होगा, गुना करने का ना, 8 से x में 8x, 8 × 16 आधा ना। चलिए अब क्या कहता है, ये तीनों गुणजों का योग, योग मतलब जोड़, एकरा 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 सबको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 888। आइए तो हम लोग लिखेंगे यहां प्रश्न से, प्रश्न से जोड़िए, 8x को जोड़िए किसमें? इसमें 8x + 8 में, फिर इसको भी जोड़ दीजिए 8x + 16 को, और सबको जोड़ने से क्या प्राप्त होता है? 888। कोई दिक्कत नहीं ना, आरा समझ में आइए। 8x, यहाँ x वाला, ये भी x वाला, ये भी x वाला, तो 8x, 8x 16x और 8x 24x प्लस में, बिना x वाला 8 है और 16 है, ये हो जाएगा 24, बराबर में होगी 888। अब क्या करना है, इस 24x में 24 नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि x वाला है, बिना x वाला है, 100 बार बताते हैं अभी शुरू से प्रश्न, तो इसको क्या करेंगे, प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 24x बराबर 888 प्लस में 24, इधर आके माइनस में 24, 24x बराबर घटाइए इसमें से इसको, तो ये कितना हो जाएगा 864। 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, ये 8 का 8। तो आइए तो x, या देखिए 24x बराबर ना, तो हम लोगों को x बराबर चाहिए, तो 24x मतलब 24 गुना x, तो गुना में 24 उधर आके भाग में 24, तो x बराबर ये 864 बटा भाग में 24, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72, 72 14, 24 26 44, यानी 36 बार में, कई बार में? 36 बार में, कई बार में कटेगा? x बराबर आपका आ गया 36। अब हमने जो जो माना था पूर्णांक को निकालिए, अब हमने माना था पहली पूर्णांक क्या माना था भाई, पहला पूर्णांक क्या माना था 8x, तो 8 गुना x मतलब 8 गुना 36, तो 36 अठे कितना होता है 8x है ना भाई, x का मान निकला ना, 24 तिहाई 72, बच गया 14, 24 छक 144, 24 छक 24 तिहाई 72, ठीक है।
तो 36 और कितना होगा 8 6 48 यहां लिख देते हैं 8 6 48 8 3 24 4 28 288 को दिक्कत दूसरा पूर्णांक मानिए क्या होगा दूसरा पूर्णांक हमने लिखा था 8x + 8 तो 8x का मान क्या निकाले हैं 288 और प्लस 8 तो 288 और 296 तीसरा पूर्णांक क्या माने थे हम लोग 8x + 16 तो 8x का मान हम लोग क्या निकाले हैं 288 और प्लस में 16 तो 288 या 12 4 है 304 कोई दिक्कत समझ में बढ़िया से आए तीन लगातार पूर्णांक क्या होगा x x + 1 x + 2 आठ के गुणज कहा था इसलिए आठ से गुणा किए तीनों में अगर पांच गुना करते तीनों पांच से गुना कर दे छह गुना करते तीनों छह से गुना कर दे समझ में आने बात मजा आ रहा है कि नहीं एकदम मजा आ रहा होगा चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आठ नंबर तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुना करके योग गुना कर योग करने पर उसका योगफल 74 है तो पूर्णांक तभी तुरंत माने हैं x x + 1 x + 2 आइए अरे हल करते हैं तो लिखेंगे क्या हम लोग माना कि पॉली पूर्णांक क्या मान ले पॉली लिखिए या पहला लिखिए x दूसरा पूर्णांक क्या मान ले x + 1 तीनों लगातार में ना है वो तीसरी पूर्णांक क्या मान ले पॉली दूसरी तीसरी चलिए x + 2 अब क्या कहता है कि लेकर उन्हें गुना करना है 2 से 3 से 4 से क्रमशः लगा है इसका मतलब है कि आई में 2 से आई में 3 से आई में 4 से तो आइए गुना कर लेते हैं ठीक है पूर्णांक में 2 3 4 से गुना करने पर कि आपका हो जाएगा इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x क्या हो जाएगा 2x इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो 3x + 1 तो 3x + 3 हो जाएगा इसमें 4 से गुना करना है तो 4 × x + 2 तो हो जाएगा 4 × 4x + हो जाएगा 8 कोई दिक्कत समझ में आया बढ़िया से नहीं तो इसको साफ साफ लिख सकते हैं क्या आइए साफ साफ ये लिख लीजिए तीनों पूर्णांकों में 2 3 तथा 4 से गुना करने पर आइए गुना तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x कॉमा लगा दीजिए पहला पूर्णांक दूसरा क्या आ जाएगा 3 से गुना करेंगे तो 3 से x + 1 तो क्या आ जाएगा आपका 3x + 3 तथा लिखिए तीसरा पूर्णांक क्या है x + 2 इसमें किससे गुना करना है 4 से क्रमशः लगा हुआ है तो पहला में 2 दूसरा में 3 तीसरा में 3 तो 4x + 4 × 8 हो गया कोई दिक्कत अभी पहला को दूसरा को तीसरा को सबको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है 74 योगफल मतलब जोड़ तो जोड़े हैं आइए हम लोग लिखते हैं अब प्रश्न से अर्थात आप लोग यहां भी लिख सकते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या लिख सकते हैं पहली पूर्णांक दूसरी पूर्णांक तीसरी पूर्णांक लिख सकते हैं पहली दूसरी तीसरी लिख दीजिएगा चलिए आइए तीनों को जोड़ते हैं हम इस पहला क्या है 2x वहां नहीं नीचे लगाए करते हैं दूसरा क्या है 3x + 3 तीसरा क्या है 4x + 8 बराबर 74 मजा रहा है चलिए निंदो आ रहा है हमको अभी 2x 3x और 4x रात बहुत हो चुकी है 2x 3x और 4x यो एक्स वाला तो 2 3 5 4 9x अभी बिना एक्स वाला 4 और 3 और 8 तो 3 8 11 बराबर हो गया 74 इधर प्लस 11 उधर जाके माइनस क्योंकि एक्स वाला है बिना एक्स वाला नहीं जुटेगा तो 9x बराबर हो गया 74 इधर प्लस 11 उधर जाके
माइनस 11। तो अब 9x बराबर 74 में से 11 गया तो 63, तो 9x बराबर ना 63 है, हो हमको x बराबर ना चाहिए, तो x बराबर अगर निकालेंगे 9 गुना x, तो x 9 में गुना कर रहा है x, तो 9 उधर जाके भाग करेगा अगला में क्या। अब देखिए तो x बराबर हो गया 63 बटा में हो गया 9, बताया ना इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, जो इधर बराबर से पहले माइनस होता है उधर जाके प्लस, जो बराबर से पहले गुना उधर जाके भाग, होता ही होता है, जो बराबर से पहले भाग उधर जाके गुना, तो यहाँ 11 जोड़ रहा था उधर घटाना, इधर 9 गुना कर रहा था एक्स में उधर जाके भाग हुआ, तो 9 7 63 एक्स बराबर हो गया आपका 7। कोई दिक्कत। अब हम लोग को निकालना है पूर्णांक, क्या निकालना है पूर्णांक, तो पहली पूर्णांक क्या हम लोग माने थे एक्स, दूसरी एक्स प्लस वन, तीसरी एक्स प्लस, ठीक है, तो पहली पूर्णांक क्या होगा आप लोग पूरा लिखेगा, हम लोग एक्स माने थे तो 7 हो गया, दूसरी पूर्णांक क्या माने थे हम लोग एक्स प्लस एक, तो एक्स हो गया 7 और प्लस में ये तो हो गया 8, तीसरी पूर्णांक क्या माने थे हम लोग एक्स प्लस 2, तो हमारा एक्स कितना था 7 और प्लस 2 हो गया आपका 9। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो समझ में आएगा बढ़िया से, पूरा बढ़िया क्लियर हो गया होगा, तो इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 9 की तरफ चलेंगे, वो भी अगला वीडियो में आएगा क्वेश्चन नंबर 9, तब तक इसको रिवीजन करते रहें, पीछे वाला वीडियो में भी रिवीजन करते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।